हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब है, इसका स्टेटमेंट समझेंगे अपन और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? इंटरमीडिएट वर्ड से समझ में आ रहा है कि बीच की कुछ वैल्यूज का बात कर रहा है ना। तो अपन सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेट f of x बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। f of x क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a टू b, है ना। f of x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन a टू b। ठीक है, तो इसका इसको दो इसकी दो मतलब दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यदि f of x कंटिन्यूअस है ए टू बी में, है ना, एंड इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या बोल रहे हैं अपन, यदि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन गिवन है अपने को, ये अपने को पता है, देन व्हाट वी कैन से, देन f of x is equal to 0 has at least one solution, at least one solution in a to b open। ठीक है, क्या बोल रहा है, if f of a and f of b are opposite sign, दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो उस इंटरवल में a to b में f of x is equal to 0 का कम से कम एक रूट जरूर होगा, है ना। बहुत ही ऑब्वियस सी थ्योरम है। क्या बोल रहा है देखो, है ना, f of a और f of b दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट है। ये मान लो x एक्सिस है, तो ये पॉइंट है मान लो b कोमा f of b, ठीक बात। ये पॉइंट है मान लो a कोमा f of a, दोनों के साइन ऑपोजिट है, या तो ये ऊपर होगा या ये नीचे होगा। अब अपन बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक जाना है अपने को, तो एक्स एक्सिस को तो कट करना पड़ेगा ना, इसको मजबूरी है इसकी, यहां से जंप नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको कम से कम एक बार तो कट करेगा, है ना। इसको ऊपर जाना है यहां से यहां तक, तो कम से कम इस एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। ये फंक्शन का ग्राफ किसका है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का बच्चों। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपन बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कम से कम एक बार, है ना, कम से कम एक बार तो उस एक्स एक्सिस को वो कट करेगा। तो इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का जीरो हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी। एटलीस्ट का मतलब क्या है, यहां पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, ये घूम फिर के बी पे जा सकता है ना, बोलो सही है बात, है ना। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यदि एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में, एंड अपने को पता है कि f of a and f of b has r of opposite sign, then, ठीक बात। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था इसका। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है इसी का, है ना, अपन ये बोल सकते हैं कि इसी का ही थोड़ा एडवांस रूप है। तो ये कोई थ्योरम कुछ खास अपने को ऐसा नहीं है कि जो यहां से अपन ये बात कंक्लूड नहीं कर पाए, है ना, बहुत ही कॉमन सेंस वाली थ्योरम है, बट एप्लीकेशन इसका अच्छा खासा है ना, अच्छा एप्लीकेशन है, आईआईटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ऑब्वियस चीज है, बहुत सिंपल है, बट प्रॉब्लम्स इस पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ लेट के बी एनी पॉइंट, लेट के बी ए एनी वैल्यू, या लेट के बी ए एनी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ठीक है, के कोई वैल्यू है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है कहीं ना कहीं, ठीक है।
हो सकता है f ऑफ a यदि बड़ा होगा तो, f ऑफ a बड़ा होगा तो f ऑफ b से f ऑफ a के बीच में होगी। कुल मिला के k जो वैल्यू है ना, k जो पॉइंट है वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कहीं ना कहीं है, दोनों की वैल्यू है ना, या f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है वो पॉइंट, ठीक है, y में कहीं ना कहीं आ रहा है। देन यदि ऐसा है, देन वॉट वी आर सेइंग दैट f ऑफ x इज इक्वल टू k हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन इंटरवल ए टू बी। यहां पे f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं है, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, तो k उसके बीच में कैसे होगा? यदि इक्वल हो गया तो दोनों के बीच में कोई नंबर होगा क्या? नहीं होगा ना, तो लिख देते हैं f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तो ये स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं बोलो? अपन बोलते हैं कि कोई ग्राफ है ऐसे, ये f ऑफ a है मान लो a कॉमा f ऑफ a, ये मान लो b कॉमा f ऑफ b, यदि इंक्रीजिंग ग्राफ लूं, कंटिन्यूअस तो है ही, f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन a टू b, एंड इफ k बी एनी वैल्यू बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, देन f ऑफ x इज इक्वल टू k हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल a टू b ओपन। कैसे? तो ये क्या है, ये x इज इक्वल टू a है, मान लो x इज इक्वल टू b है, तो f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में मान लो y इक्वल टू k ये लाइन है, तो कम से कम इसका एक रूट तो ये मिल गया ना अपने को, y इक्वल टू k और y इक्वल टू f ऑफ x, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ रहा है ना। सेम वही बात है, इसमें x एक्सिस था y इक्वल टू जीरो, अब अपन बात करते हैं किसकी, y इक्वल टू k की, है ना, x इक्वल टू जीरो इज लाइन बिटवीन f ऑफ a टू f ऑफ b, क्योंकि f ऑफ a इज नेगेटिव, मान लो f ऑफ a b क्या होगा, पॉजिटिव, यदि f ऑफ b पॉजिटिव है तो f ऑफ b नेगेटिव है तो f ऑफ a पॉजिटिव होगा, सही है बात। तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में कम से कम एक सॉल्यूशन y इक्वल टू k का तो होगा, क्योंकि वो वैल्यू तो अचीव करेगा ही ना, जंप थोड़ी कर सकता है ये फंक्शन, है ना, f ऑफ a से f ऑफ b तक जा रहा है तो इसको जंप करके थोड़ी जाएगा, इसके इक्वल कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन तो कितना भी हो सकता है ना, वही वाली बात है ना, मैक्सिमम सॉल्यूशन तो घूम फिर के यदि जा रहा है तो y इक्वल टू k के बहुत सारे सॉल्यूशन अपने को मिल सकते हैं, बोलो सही है बात। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कम से कम इसको यदि क्रॉस करके एक बार तो इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, इफ y इक्वल टू k इज लाइंग बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, दैट इज द स्टेटमेंट, ठीक है बात, समझ में आ गई बात। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी यदि याद रखो तुम, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनफ, सेकंड स्टेटमेंट उसी का सबसेट है, है ना, फंक्शन को ले लो f ऑफ x माइनस k, है ना, फंक्शन को क्या ले लो बच्चों, f ऑफ x माइनस k, तो फर्स्ट वाली थ्योरम ही आ जाएगी वो, f ऑफ x माइनस k लिया अपन ने, तो अब f ऑफ x माइनस k, है ना, सेकंड वाले का प्रूफ फर्स्ट से यदि करूं मैं, तो अपन में सेकंड वाले को मान लो एक नया फंक्शन मान लेता हूं f ऑफ x माइनस k, है ना, तो इफ k इज लाइंग बिटवीन लेट से f ऑफ a टू f ऑफ b, तो अपन क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, g ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a माइनस k, और g ऑफ b जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, f ऑफ b माइनस k, इफ k इज लाइंग बिटवीन f ऑफ a टू f ऑफ b, इस केस के लिए f ऑफ a माइनस k क्या होगा, लेस देन जीरो, और इस केस के लिए f ऑफ b माइनस k क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो अपन बोल सकते हैं कि g ऑफ x, सेकेंड का प्रूफ मैं फर्स्ट से कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि g ऑफ x जो फंक्शन है दैट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल, है ना, g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन ए टू बी, यही तो बात बोल रहे हैं अपन, बोलो, तो यहां से इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x माइनस k इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन दी ए टू बी, इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू k हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है बात। तो सेकंड कुछ नहीं है, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का एक्सटेंशन है ना, बेसिकली फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसी का एक्सटेंशन है सेकंड, है ना, समझ में आ गई बात।
तो अल्टीमेटली ए की थ्योरम है यहां पे। इस पे किस टाइप की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है उनको अपन देखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to 1, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं अपन, निकालते हैं एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है देखो, ये पहली बात तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 to 1 में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सही है बात, बोलो 0 to 1 में ये फंक्शन क्या दिख रहा है, ये एक्स है, ये ई की पावर एक्स है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है बच्चों, माइनस टू, ठीक बात। एफ ऑफ वन क्या आ रहा है, एफ ऑफ वन आ रहा है 1 into e minus 2, तो e माइनस टू क्या है, e होता है 2.7 कह रहा हूं, माइनस टू मतलब ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये क्या आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब अपन इसका यदि ग्राफिकली देखें, जीरो पे और वन पे यदि ग्राफ देखें, तो जीरो पे ये क्या है माइनस टू, ठीक बात, वन पे क्या है e माइनस टू, e माइनस टू क्या है पॉजिटिव। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कम से कम जीरो से वन में कम से कम इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही, बोलो, क्योंकि यहां से यहां उड़ के नहीं चला जाएगा, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कम से कम एक बार तो इसको एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा होगा पक्का, है ना। तो देयर विल बी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब यदि अपने को एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। ये तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक बात। अब अपन दूसरा बात करते हैं कि व्हाट अबाउट एग्जैक्टनेस। एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन के लिए अपने को क्या करना होता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन करके अपने को यह समझना होता है कि ग्राफ कहीं वापिस तो मुड़ नहीं रहा, वापिस मुड़ रहा है तब चीजें बदल सकती है ना, हो सकता है कि ग्राफ वापिस मुड़ के टर्न होके वापिस मैक्सिमा मिनिमा करके ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 से 3 बार में कट कर सकता है ना, एक से ज्यादा बार कट करने की पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ग्राफ यदि घूम के वापिस आया तो बन सकता है ना, यहां से यहां तक जा रहा है ग्राफ, अपन को तो एंड पॉइंट ही पता है ना, बीच में वो क्या कहानी कर रहा है, तो बीच की कहानी पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, यूवी डैश प्लस यूवी डैश, तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, एक्स एफ डैश एक्स क्या दिख रहा है अपने को, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बच्चों, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका घूमने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ग्राफ इज दिस। हेंस यहां से अपन बोल पाएंगे कि फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बिकॉज फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन के इंक्रीज करके के यही पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, ठीक है बात, बोलो सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स एल एन एक्स माइनस वन, प्रूव दैट, है ना, आपने प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स माइनस वन, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन इंटरवल, इन इंटरवल 1 to e, ठीक है बात, एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 1 to e। तो एटलीस्ट का जब भी तुम्हारे को डिस्कशन दिख रहा है, एटलीस्ट का दिख रहा है डिस्कशन, तो एक बार किसके बारे में सोचेंगे अपन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में, है ना, एटलीस्ट वन रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप की चीजें दी हुई है और अपने को एटलीस्ट वन रूट के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम आता है उसमें यह लिखा हुआ थोड़ी है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से करो इसको,
है ना, अपने को ये जज करना है कि जब प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो अपने को ये जज करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से बनाना है। वो कैसे अपन सोचेंगे कि वो अपन सोचेंगे कि चीजें लिखी हुई है एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अपने दिमाग में एक बार आना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या। एफ ऑफ ए चेक करते हैं, एफ ऑफ बी चेक करते हैं, तो एटलीस्ट वन रूट के बारे में अपन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे वैलिड है, कोई भी ओड पॉलीनोमियल है उसको देखो, उसमें अपन अप्लाई कर रहे हैं ना। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी अपने को पता है कि माइनस इन्फिनिटी की टेंड करेगा यदि एक्स के पावर एन का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो, है ना, ओड पॉलीनोमियल की बात कर रहा हूं, जैसे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब वैल्यू अचीव कौन सी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को और जा रहा है, तो कम से कम एक बार तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। यही तो बोलते हैं अपन, एवरी ओड पॉलीनोमियल हैज एटलीस्ट वन रूट, है ना, एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रियल रूट तो उसका होगा ही, है ना, एटलीस्ट वन रियल रूट, यहां पे लिख दो एटलीस्ट वन रियल रूट इन इंटरवल वन टू ई। ठीक है, तो देखते हैं अपन एफ ऑफ वन कैलकुलेट करते हैं दैट इज माइनस वन, एफ ऑफ ई कैलकुलेट करते हैं दैट इज ई माइनस वन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ ऐसा कुछ है अभी फॉर द टाइम बीइंग, अपन अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता अपने को, इतना तो अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन तो अपना सोल्व हो गया। अब मान लो एफ डैश एक्स के बारे में अपन जाके इसकी कितने एग्जैक्टली कितने रूल है रूट है ना, अपने को अभी तो ये एटलीस्ट वन रूट का आइडिया लग गया है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड f of 1 and f of e are of opposite sign, then f of x is equal to 0 has at least one root. अब अपन exact की बात करते हैं, f dash x करते हैं, f dash x क्या मिलेगा बच्चों, f dash x मिल जाएगा अपने पास x का differentiation ln x, x ln x का, पहले x का differentiation तो ln x आ जाएगा, फिर ln x का differentiation क्या आ जाएगा 1 by x, तो ये आ जाएगा 1 plus ln x, है ना, 1 plus ln x। तो ग्राफिकली यदि देखें x ln x माइनस वन को, तो इसका जो है ना प्रॉब्लम, वन प्लस ln x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, वन प्लस ln x इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, वन बाई ई, तो वन बाई ई जो पॉइंट है ना, वन बाई ई पॉइंट वन से e के बीच में नहीं है, बोलो, वन बाई ई जो पॉइंट है वो वन से e के बीच में नहीं है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वन प्लस ln x जो फंक्शन है ना, वन प्लस ln x, तो f dash x जो भी है ना 1 plus ln x that is greater than 0 for all x belongs to 1 to e, बोलो, तो 1 से e में 1 plus ln x क्या है, पॉजिटिव। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यहां पे खत्म हो चुकी है ना, उसका फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं अपन कि और क्या कर सकते हैं, 1 to e में 1 plus ln x क्या है, पॉजिटिव है, hence function is increasing, hence this at least will be converted into एग्जैक्ट, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन विल हैव एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोल रहा है, और ये अपन बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट कर सकता है, वो एक ही बार कट कर सकता है ग्राफ को, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, बात बोलो, तो फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कैन से एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्लियर है पॉइंट, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी ऑप्शन में होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी ऑप्शन में होगा अपने पास, है ना, तो मोर देन वन है तो दोनों करेक्ट करेंगे, और यदि सिंगल चॉइस है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव कौन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, समझ आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ A is less than B is less than C is less than D, then prove that, you know, A, B, C, D are real numbers, you know, then prove that X minus A into X minus C plus 2 times X minus B into X minus D has real and two real and distinct root. रूट्स, तो ये क्या है, एक इज इक्वल टू जीरो है ना,
ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी क्वाड्रेटिक बनेगा प्लस टू टाइम्स ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इधर जो भी लिखा हुआ है क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अपने को बताना है कि हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये इक्वेशन जो अपने को दिख रही है ये अपने को बताना हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो एक तरीका, तो अपने दिमाग में यदि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नहीं देखी हुई है अपनी, तो अपने दिमाग में क्या आता है कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेता हूं, बट दैट्स नॉट द राइट वे, उससे कैलकुलेशन बहुत भयंकर हो जाएगी, है ना। तो इजी मेथड क्या है इसका, इजी मेथड क्या है, अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। ठीक बात, एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया तो ये जीरो, a माइनस बी नेगेटिव, ठीक बात, a माइनस डी भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल फंक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव एफ ओ ए पे। एफ ओ बी निकाला अपन ने, एफ ओ बी क्या आ रहा बच्चों, एफ ओ बी पे ये जीरो, अब b माइनस ए पॉजिटिव, b माइनस सी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, वैल्यूज निकाल रहा हूं मैं इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान के, ठीक है। एफ ऑफ सी क्या निकलेगा, ये जीरो, सी माइनस बी, ऐसे ही सी माइनस डी, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव। एफ ऑफ डी क्या निकलेगा, एफ ऑफ डी देखो डी क्या आ रहा है, एफ ऑफ डी पे ये जीरो हो गया, डी माइनस सी पॉजिटिव, डी माइनस ए पॉजिटिव, ठीक बात, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अपन यहां पे बोल सकते हैं कि क्या है अपने पास, ए है, बी है, सी है और डी है। तो एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव, है ना, एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव, एफ ऑफ बी इज नेगेटिव, एफ ऑफ सी इज नेगेटिव, एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ होगा ना। यहां से अपन बोल सकते हैं कि एक रूट क्या होगा, ए से बी के बीच में एक रूट होगा बोलो, और एक रूट क्या होगा, सी से डी के बीच में। अपन ने यह भी बोल दिया कि डिस्टिंक्ट तो होंगे ही, डिस्टिंक्ट के साथ साथ वन रूट लाइज बिटवीन ए टू बी एंड अनदर रूट लाइज बिटवीन सी टू डी, है ना, हैंस दिस इक्वेशन। अब दो ही रूट हो सकते हैं ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने रूट हो सकते हैं, दो ही रूट हो सकते हैं, और दोनों रूट की इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई। ये अपन बात बोल रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये अपन बोल सकते हैं कि कॉमन सेंस से बोल रहे हैं, ऐसे क्या थ्योरम का जरूरत ही नहीं है इसमें तो, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस है, ग्राफ बना लो। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कोई खास इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं है, यदि अपन को ग्राफ बना सकते हैं अपन, तो ग्राफ से सीधा दिख जाएगा अपने को कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं अपन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर अल्फा टू बीटा, है ना, such that f of alpha is equal to beta and f of beta is equal to alpha, ठीक बात, continuous function दिया हुआ है, f of alpha is equal to beta and f of beta is equal to alpha, then prove that there exists a gamma such that f of gamma is equal to gamma, है ना, f of gamma is equal to gamma, ये अपने को प्रूफ करना है। f of x is a continuous function for alpha to beta such that f of alpha equal to beta and f of beta is equal to alpha, then prove that there exists a gamma, एक ऐसा गामा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा, और इस गामा के बारे में अपन बोल सकते हैं कि दैट गामा देयर एग्जिस्ट ए गामा, गामा बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ओपन ले लेते हैं, क्लोज ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अल्फा और बीटा मान लो सेम हो गया तो क्या दिक्कत है, द
तब एल्फ एफ एल्फ एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू एल्फा हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट में? तो ये अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि अपने को क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा, राइट, ये दिया हुआ है। अपन एक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, अपने को क्या प्रूफ करना है, अपन एक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्योंकि अपने को क्या प्रूफ करना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या प्रूफ करना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक बात। तो अपन ने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट, है ना, हैज एटलीस्ट वन रूट सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। जी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो होगा मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा, सही है बात। तो अपन बोल सकते हैं कि अच्छा g ऑफ अल्फा निकालता हूं मैं, g ऑफ अल्फा क्या होगा, g ऑफ अल्फा हो जाएगा f ऑफ अल्फा माइनस x, f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, f ऑफ अल्फा क्या है बीटा, बीटा माइनस अल्फा, सही बात। g ऑफ बीटा क्या होगा, f ऑफ बीटा माइनस बीटा, एफ ऑफ बीटा क्या अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक बात, दिया हुआ है ना एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो एक आ रहा है बीटा माइनस अल्फा, एक आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो सारी बातें सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वहीं पे प्रूफ हो गया, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इन दैट केस ये होगा मान लो नेगेटिव तो ये होगा पॉजिटिव, या अपन बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पे g ऑफ अल्फा इंटू g ऑफ बीटा विल बी लेस देन जीरो, बोलो, है ना, ये क्या माइनस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा, तो ये नेगेटिव आ गया ना। एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मतलब एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का साइन क्या है, ऑपोजिट है। Hence, there exists a gamma या c for which this equation is equal to zero. That gamma lies between alpha to beta. तो true हो गया अपने पास। तो अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा gamma exist करेगा for which g of gamma आएगा क्या, g of gamma equal to zero होना चाहिए। g of gamma equal to zero का मतलब that gamma lies between, है ना, एक function है g of x, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा गामा एग्जिस्ट करेगा फॉर विच जी ऑफ गामा इक्वल टू जीरो, ये ग्राफ है जी ऑफ एक्स का, ठीक बात, वही स्टेटमेंट है ना सेम। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड ऑन टू फंक्शन, है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस एंड ऑन टू, दोनों है, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एंड ऑन टू फंक्शन गिवन है अपने को, डिफाइंड फ्रॉम, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू वन टू वन टू जीरो, या टू जीरो टू वन एक ही बात है, 0 टू 1 टू 0 टू 1, मान लो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसका डोमेन ये है, कोडोमेन वो है, ऑन टू फंक्शन है तो यहां से अपने को समझ में आना चाहिए कुछ। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट at least one c belonging to 0 to 1 such that close ho to bhi koi dikkat nahi hai, close hi rakh lete hain, theek hai, such that f of c is equal to 1 minus c, proof karna hai apne ko ye, theek hai, ek baar khud se attempt karo फिर अपन देखते हैं इसको, है ना, खुद से अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो खुद से। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या दिवन है, क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू वन माइनस सी,
तो अपन एक फंक्शन मान लेते हैं यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन, इसको एक नया फंक्शन मान लिया जी ऑफ एक्स, सही बात बोलो, सही है, ये जी ऑफ एक्स मान लिया। अब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं जी ऑफ जीरो, ठीक बात, यदि फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है तो या तो एफ ऑफ जीरो जीरो होगा, एफ ऑफ वन वन होगा, या तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, और क्या होगी एफ ऑफ जीरो वन होगा या एफ ऑफ वन जीरो होगा, इन दोनों में से एक तो चांसेस होगा ही। एफ ऑफ एक्स यदि कंटिन्यूस और ऑन टू फंक्शन है तो एक्सट्रीम वैल्यू अचीव कर रहा है वो, है ना, ये अपने को पता है, ऑन टू फंक्शन है मतलब जीरो टू वन पूरा अचीव करना चाहिए, इसका मतलब फंक्शन में ये इन दोनों में से कोई एक सिनारियो बन रहा है, ठीक बात बोलो। तो g ऑफ जीरो यदि निकालें अपन, g ऑफ जीरो क्या आएगा f ऑफ जीरो माइनस वन, ठीक है, g ऑफ वन निकाल लें अपन, g ऑफ वन यदि निकालें तो g ऑफ वन क्या आएगा, g ऑफ वन विल बी f ऑफ वन वन माइनस वन जीरो, तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है। अब इन दोनों के लिए चेक करते हैं, लेट से एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो यदि जीरो होता है तो ये नेगेटिव और एफ ऑफ वन वन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एफ ऑफ जीरो को वन लेते हैं, वन लेते हैं तो ये आ गया जीरो, ठीक बात, तो बस वैसे ही केस है ना, ये आ गया अपने पास जीरो, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा और f ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए जीरो, f ऑफ वन भी क्या आ जाएगा जीरो, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन g ऑफ x भी क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, सही है बात, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और जीरो से जीरो पे ही जा रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और जीरो से जीरो पे ही जा रहा है, ऐसा कुछ है यदि एंड पॉइंट्स को ले अपन, है ना, तो जीरो से जीरो पे जाने का है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस जाने का तरीका क्या है, या तो सीधा सीधा चले जाए या घूम घाम के जाएगा, इन दैट केस ऑल्सो इंटरमीडिएट वैली थ्योरम से ही बोल सकते हैं, या अपने दिमाग में जो भी आ रहा है कि कम से कम एक रूट तो आई गया ना, जी ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट तो आई गया ना, उस केस में भी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एटलीस्ट वन रूट तो आ ही रहा है इन दैट इंटरवल, क्योंकि यहां से वहां तक जाने का तरीका क्या है, सीधा चला जाए या घूम के जाए, सीधा जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, घूम के जाएगा तो थोड़े सॉल्यूशन कम हो जाएंगे, ठीक है बात, क्लियर है पॉइंट, है ना, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना, इसमें थोड़ा सा अपने को पता है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, hence g of x is equal to zero has at least one solution, है ना, has at least one solution, है ना, g of c equal to zero होगा where c belongs to zero to one, बोलो, तो zero to one में कम से कम इसका एक रूट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो zero to one में कम से कम इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 माइनस c, g ऑफ c इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट f ऑफ c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 माइनस c, वेयर c बिलोंग्स टू 0 टू 1, मजा आया इस क्वेश्चन में, अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रही है बात, काफी आसान है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही यूज है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, इन 0 टू पाई बाई 2 प्रूव दैट देर एग्जिस्ट, है ना, क्वेश्चन क्या है इन 0 टू पाई बाई 2, क्वेश्चन क्या है अपने पास इन 0 टू पाई बाई 2 प्रूव दैट देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट, है ना, 0 टू पाई बाई 2 इन 0 टू पाई बाई 2 प्रूव दैट there exists at least one c such that sin c is equal to 1 plus c square, है ना, 0 से pi by 2 में से कम एक c ऐसा होगा जिसके लिए sin c is equal to आना चाहिए 1 upon 1 plus c square, ये अपना प्रॉब्लम है, ठीक है बात,
बोलो साइन सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर। तो अपन इसको करने के मतलब सोचने का एक दो तरीका और है। पहले नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन ये है। साइन एक्स जो वैल्यू है ना, जीरो से पाई बाई टू में किससे किसके बीच में वेरी करेगा, साइन जीरो जीरो साइन पाई बाई टू वन, जीरो से वन के बीच में। और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है ना, वो क्या आएगी, जीरो से वन के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटी तो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपन एक फंक्शन मानते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, बोलो कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। अब अपन बात करते हैं किसकी, जी ऑफ जीरो की। जी ऑफ जीरो क्या है, साइन जीरो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस वन। ठीक बात, बोलो ऐसे अपन निकालते हैं जी ऑफ पाई बाई फोर। जी ऑफ पाई बाई फोर क्या आएगा बच्चों, जी ऑफ पाई बाई फोर हो जाएगा साइन ऑफ, सॉरी जी ऑफ पाई बाई टू, दैट इज साइन पाई बाई टू मतलब वन, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू है वन से छोटी है, इसका मतलब वन माइनस वन से छोटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है यहां से, यहां से ये समझ में आ रहा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना, सच दैट जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो वेयर सी बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। तो जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब साइन ऑफ सी माइनस वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, हेंस ये बात प्रूफ हो गई क्या, बोलो। तो अपने पास ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, इनको क्विकली अपन सॉल्व करते हैं, इनको खुद से सॉल्व करो पहले, है ना, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो तीनों को, ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्वेंटी, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू जीरो टू टेन सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस टेन। ठीक है बात, अपने को क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस टेन, कैसे करना चाहिए इसको। ठीक है, जीरो से ट्वेंटी की बात कर रहा है वो, है ना, जीरो से ट्वेंटी की बात कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टेन प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक अपन फंक्शन मान लेते हैं यहां पे जी ऑफ एक्स, उस फंक्शन की कहानी क्या है उसको मान लिया अपन ने, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टेन। ठीक है, इस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए इसका एक रूट होना चाहिए बिलोंग्स, सी बिलोंग्स टू जीरो टू टेन, जीरो टू टेन में उसका एक रूट होना चाहिए। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है अपने को। तो अपन ये फंक्शन अपन ने कैसे माना है, यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टेन, वो सी किसको फॉलो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टेन। ये फंक्शन जीरो होगा तो ये फंक्शन भी जीरो होगा, सही बात, ठीक बात, बोलो। तो अपन निकालते हैं पहले जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ टेन, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो निकल गया अपने पास। सिमिलरली अपन निकालते हैं जी ऑफ टेन, जी ऑफ टेन क्या होगा, एफ ऑफ टेन माइनस एफ ऑफ ट्वेंटी, और एफ ऑफ ट्वेंटी की अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ टेन, है ना, और ये क्या आ गया, एफ ऑफ टेन माइनस एफ ऑफ जीरो, तो एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, बोलो, है ना। इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस विल बी लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू जीरो पे तो क्या होगा, हमेशा ट्रू हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, फिर तो ये सी की इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इक्वल टू जीरो पे तो अपने को समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो पे अपन ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये अपने को समझ में आ रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, आईवीटी से अपन क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन सच दैट जी ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो वेयर सी बिलोंग्स टू जीरो टू टेन।
कम से कम एक रूट जरूर होगा जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो ऐसा पॉसिबिलिटी के लिए। तो जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो मतलब एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, हेंस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस 10। बोलो सही है क्या बात, क्लियर है पॉइंट, है ना, बोल सकते हैं अपन। ये था क्वेश्चन नंबर वन। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू की। अपने को क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल, देन प्रूव दैट, नहीं इफ, इसको करो, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है ना। यदि अपने को दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन अपने को प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर वैल्यू के लिए वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अपन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है अपने को, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, सही बात। अब कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, कंटिन्यूटी की यही मतलब होता है ना। एक्स इक्वल टू जीरो पे यदि कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यही हुआ, है ना। तो ये दो कंडीशन अपने को गिवन है। यहां से अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को यह प्रूफ करना है कि किसी जनरल ए पे, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एच, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये है, ठीक है। ये अपन ने प्रूफ कर दिया तो कंटिन्यूटी प्रूफ हो जाएगी। बोलो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच यदि निकालना चाहे तो क्या आएगा, इससे इस रिलेशन से अपन बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच, और यहां से अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एच इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो, है ना। और एफ ऑफ जीरो के बारे में क्या ख्याल है अपना, निकाल लो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, यहां से देखो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपन ने क्या बोला, f of a plus h आएगा, that will be equal to f of a plus f of h, और f of h continuity से अपन बोल सकते हैं कि f of h will be f of 0, यहां पे h tending to 0 है, है ना, limit h tending to 0 है, continuity का मतलब यही तो है, limit h tending to 0 है, h एक बहुत small number है, limit की बात कर रहे हैं, so that will be tending to f of a, f of h किसको tend करेगा बच्चों, 0 को tend करेगा, सही बात। बोलो f ऑफ h किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, f ऑफ h माइनस h भी किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, सो यहां से भी यही आएगा, इसको अपन लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस h, ये भी किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, यहां से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a कैन बी एनीथिंग, है ना, x y कुछ भी ले सकते हो तुम उसकी जगह, यही सिंपल सा प्रूफ था। तो इसमें आईएमवीटी का ज्यादा यूज नहीं हुआ है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का कुछ यूज नहीं है, अलग प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, f ऑफ x बी ए पॉलीनोमियल फंक्शन विथ रियल कोफिशिएंट्स फॉर विच इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू x हैज नो रियल सॉल्यूशन, then prove that f of x is equal to x has also no real solution, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं कि f of x minus x is equal to 0 का कोई real solution नहीं है, तो इसको अपन मान लेते हैं g of x। तो g of x यदि function f of x minus x को माने तो इसका कोई real solution नहीं है, मतलब g of x का भी कोई real solution नहीं है, मतलब ये हो गया कि g of x या तो x axis के ऊपर है या x axis के नीचे है, सही है बात, है ना। g of x या तो x एक्सिस के ऊपर होगा या x एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि इसका कोई इंटरसेक्शन x एक्सिस के साथ नहीं है, g of x has no real solution, ठीक है बात। तो g of x is either positive और g of x is either negative, इन दोनों में से कोई एक सिनारियो है, कोई एक सिनारियो अपन पकड़ लेते हैं, लेट्स से केस वन का डिस्कशन कर रहे हैं, केस वन का यदि डिस्कशन करते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि f of g of x is पॉजिटिव
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर केस वन, ये ले रहे हैं अपन, ठीक बात। अपने को क्या निकालना है, f ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स। अब अपन बात करते हैं f ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स की, इसके कितने सॉल्यूशंस है ना, यही तो बात है। तो अपन क्या करते हैं इसमें एफ एक्स एड कर देते हैं, अच्छा एफ एक्स माइनस कर देते हैं और एफ एक्स इसमें ऐड कर देते हैं, उससे होगा क्या, फायदा क्या हो गया, ये क्या बन रहा है अपने पास बच्चों, g ऑफ एफ एक्स बन रहा है क्या, बोलो ये क्या बन रहा है, g ऑफ एफ एक्स, बोलो ये क्या बन रहा है अपने पास, दूसरा वाला एफ एक्स माइनस एक्स, ये बन रहा है g ऑफ x। तो g ऑफ एफ एक्स प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो का कोई, क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है, अपन बोल रहे हैं कि g x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो g ऑफ एफ एक्स भी पॉजिटिव आएगा और g ऑफ x भी पॉजिटिव आएगा, हेंस दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हेंस दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी रियल सॉल्यूशन इसका भी नहीं होगा इफ दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है बात। सिमिलरली केस टू भी डिस्कस कर सकते हैं अपन आराम से। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी, आज की क्लास में अपन ने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ऑल द बेस्ट।